हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो जिस चीज का आपको इंतजार था, यानी कि हिमाचल प्रदेश नायब तहसीलदार की वैकेंसी का, वो आ चुकी है। हो सकता है कि आपने नोटिफिकेशन पहले से पढ़ लिया हो। जिन्होंने पढ़ लिया है वो जा सकते हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको नोटिफिकेशन के बारे में पता हो। नोटिफिकेशन आपको ऑफिशियल वेबसाइट से, एचपीपीएससी से या फिर जीके स्टडी ऐप से, दोनों से मिल जाएगा। जीके स्टडी ऐप पर आप जाकर नोट्स वाले सेक्शन में लेटेस्ट वैकेंसी में इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक एक चीज को जो है वो बारीकी से समझेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं लास्ट डेट की। तो 27/1/2022 जो है वो लास्ट डेट है। आपको पूरा महीना जनवरी का दिया जा रहा है आपको फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। अब दूसरा नंबर यहाँ पर बनता है कि भाई एग्जाम कब तक हो सकता है। तो जनवरी में आपके पूरे फॉर्म भरे जाएंगे, पूरा महीना आपको मिल रहा है। फेब और मार्च, ठीक है, ये दो महीने आपने लेकर चलने हैं अपनी तैयारी के लिए, यानी कि आपको तैयारी करनी है जनवरी, फरवरी और मार्च में, ठीक है, तीन महीने। अप्रैल में आपका एग्जाम हो सकता है, ठीक है। अगर अप्रैल में नहीं होता है, ठीक है, मई में होता है, तो वो आपके लिए बेनिफिट है कि आपको अप्रैल का मंथ जो है वो रिवीजन के लिए एक्स्ट्रा मिल गया, ठीक है। इतना तो आसान है नहीं भाई, नायब तहसीलदार आप एकदम से छू मंतर से पढ़ लोगे। मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। तो तीन महीने डेडिकेशन से आपको जो है वो तैयारी करनी है। अगर अप्रैल में आपका एग्जाम हो जाता है, जिसके पूरे पूरे चांसेस हैं, तो फिर जो है वो आपको जो है आगे सिंपल सी है कि आपकी तैयारी हो चुकी है, आप एग्जाम दे दीजिएगा। अगर आपको नहीं, अप्रैल में नहीं होता है, तो सिंपल सा है कि आपको एक और थोड़ा महीना मिल चुका है, तो और अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बोला था कि दिसंबर में पोस्ट आ जाएंगी, 20 पोस्ट आई आ गई है, ठीक है, पहले भी आपको बताया था। तो मैं दोबारा से बोल रहा हूँ कि अप्रैल के अराउंड इसका एग्जाम हो जाएगा, नहीं होता है तो आपका एक्स्ट्रा महीना मिलेगा। बट आपने जो तैयारी करनी है वो जनवरी, फरवरी, मार्च में करनी है, अगर आप सीरियसली डेडिकेटेड हो टूवर्ड्स नायब तहसीलदार, ठीक है जी। बाकी अगर आप ये सोचते हो कि भाई अभी टाइम है, अभी टाइम है, तो वो टाइम जो है वो आपका निकल जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दी गई है, ठीक है, कि आपको कैसे अप्लाई करना है। ऑनलाइन वेबसाइट है एचपीपीएससी, जहां पर आपको जाकर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर मेन जो पॉइंट है वो है आपका 7th की, द रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू अदर स्टेट विल बी ट्रीटेड एज जनरल कैटेगरी। यहाँ पे सिंपल सा क्लैरिफाई हो जाता है कि भाई जो आपके अदर स्टेट वाले हैं वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर वो एससी ओबीसी से हैं तो वो यहाँ पर जनरल ही माने जाएंगे, ठीक है। तो कंपटीशन यहाँ पर भी आपका थोड़ा हार्ड हो जाता है, क्योंकि अदर स्टेट वाले भी इसके लिए अप्लाई करने वाले हैं। तो उस हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। बाकी ये खुद से आप रीड कर लीजिएगा, इतना कुछ है नहीं। जो आपको ऑनलाइन आप भरते हो वही सब कुछ यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट बताई गई है। जब भी आप जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन पहली बार अगर आप रजिस्ट्रेशन करोगे, तो आपको कौन कौन से जो है वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर सबमिट करने हैं, ठीक है जी। बात करते हैं पोस्टों के बारे में। नेम ऑफ डिपार्टमेंट है रेवेन्यू, नेम ऑफ पोस्ट है नायब तहसीलदार, टोटल पोस्ट है 20। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था 20 पोस्ट आने वाली है, ठीक है जी। तो अब भी मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छे से तैयारी कर लीजिए। अनरिजर्व की इसमें 12 पोस्ट है, शेड्यूल कास्ट की आपकी 3 है, एसटी की जो है वो 3 है, ओबीसी की 1 है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की 1 है, टोटल 20 पोस्ट है आपकी हो गई। पे स्केल 10,300 से 34,800 प्लस 4,800 ग्रेड पे, ठीक है, थोड़ा बढ़ाकर आपको पता ही है कि 6th पे लागू हो चुका है, वो मिलेगा आपको, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो अच्छी पोस्ट है, आपको पता ही है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपने ग्रेजुएशन की है किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। लास्ट ईयर वाले अप्लाई नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग पूछेंगे कि भाई हम लास्ट ईयर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्लस आपको चेक करनी है आपकी एज, 21 से 45 साल के बीच में अगर आप आते हो 1/1/2021 तक, ठीक है जी, तो आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। अब सिंपल सा एज निकालने का, एज कैलकुलेटर आप गूगल में सर्च कर लीजिए, आज की डेट डाल लीजिए, ठीक है, या नहीं 1/1/2021 की डाल लीजिए और अपनी जन्म डेट डाल लीजिए, ठीक है। तो सिंपल सा आपका जो है वो ये फाइंड आउट हो जाएगी कि आप कितने साल की जो है वो है। 5 ईयर एज रिलैक्सेशन एससी एसटी ओबीसी हिमाचल प्रदेश के लिए, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए, वो सारी चीजें आपको पता ही है। एलिजिबिलिटी कंडीशंस यहाँ पर कुछ दी गई है, किस तरीके से जो है वो आप इसको रीड कर लीजिएगा। कैसे अप्लाई करना है ये आपको पता ही है कि एचपीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। अगर आपने पहले से आईडी बनाई है तो सिंपल सा आपका अप्लाई हो ही जाएगा उसी आईडी को ओपन करके, ठीक है जी। आईडी नहीं मिल रही है तो अपने जीमेल पे जाइए, ठीक है, वहां पर एचपीपीएससी सर्च कीजिए, वहां पर जो है वो आपको ईमेल आईडी आपकी मिल जाएगी। एग्जामिनेशन सेंटर की अगर बात करें तो हर जिले के, जैसे कि शिमला, मंडी, सुंदरनगर, कांगड़ा, धर्मशाला, पालमपुर, सोलन, ऊना, नाहन, बिलासपुर, कुल्लू, चंबा, हमीरपुर, रिकांगपियो, किन्नौर एंड केलोंग, लाहौल स्पीति, ठीक है जी। तो यहां पर जो है वो आपके आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है जी। आपकी एग्जामिनेशन फीस की बात करें, जनरल कैटेगरी आपकी 400 रुपए, अदर स्टेट भी जो है वो 400 रुपए, ठीक है जी। एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस हिमाचल प्रदेश के 100 रुपीज, और एक्स सर्विसमैन ऑफ एचपी, ठीक है जी, और ब्लाइंड, विजुअली इम्पेयर्ड और फीमेल कैंडिडेट, कोई भी फीस यहां पर नहीं है। तो लड़कियां तो सारी फॉर्म जो है वो भरेंगी, ठीक है जी। अब यहां पर कुछ और इंस्ट्रक्शंस दी गई है।
जिसको आप जो है वो रीड कर सकते हैं। मोड ऑफ पेमेंट क्या रहेगा, मोड ऑफ पेमेंट आपका ऑनलाइन ही रहेगा। ये सारी चीजें आप पहले भी आपने एचपीपीएससी का कोई तो फॉर्म भरा होगा, तो वो सारा प्रोसीजर जो है वो आपका ऑनलाइन रहने वाला है। बाकी यहाँ पर कुछ एडमिट कार्ड से रिलेटेड दिया गया है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं भाई। सबसे पहले होगा आपका स्क्रीनिंग टेस्ट, प्रीलिम एग्जामिनेशन, उसके बाद होगा आपका मेंस एग्जामिनेशन, और उसके बाद होगा आपका पर्सनैलिटी टेस्ट। तो तीन स्टेजेस जो है वो आपकी होने वाली है। इसके ऊपर मैंने पूरी डिटेल में वीडियो बनाई है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर आ रही होगी, उस पर जाकर जो है वो आप देख लीजिएगा। ठीक है जी, पूरी सिलेबस के ऊपर मैंने अच्छे से वीडियो बनाई है, फिर भी मैं आपको एक और बार जो है वो बता दूंगा कैसे कैसे दोबारा से जो है वो कंप्लीट सिलेबस के ऊपर यही डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर मेंस एग्जामिनेशन होगा आपका, स्क्रीनिंग प्रीलिम होगा, पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगी, 120 क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाएंगे जनरल नॉलेज के पेपर में, ठीक है, जो कि आपका 2 घंटे का होगा। और उसके बाद जो है फॉर आपका जो है वो 20 times कैंडिडेट जो है वो एक सीट पर आपके चुने जाएंगे मेंस के लिए, ठीक है, समझ गए। और उसके बाद फिर होगा आपका जो आपका इंटरव्यू होता है, पर्सनालिटी टेस्ट। तो 120 आपके प्री में पूछे जाएंगे, 120 नंबर का पेपर होता है, 2 घंटे की टाइमिंग होती है, 120 नंबर का ही होता है, और उसके बाद जो है वो आप क्लियर करते हो, मेरिट में आते हो, तो उसके बाद जो है वो आपको आगे के लिए प्रोसीड किया जाएगा। इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है, नहीं तो दोबारा से बना देंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर सिलेबस पूरा क्या रहने वाला है उसके बारे में एक बार हम बात कर लेते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोशियो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश 30 नंबर की, यानी कि 30 नंबर की आपकी एचपी जीके पूछी जाने वाली है, तो भाई इसको तो रट लेना अच्छे से आउट ऑफ 120। फिर आपके पास यहाँ नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर 50 नंबर के करंट अफेयर यहाँ पर पूछे जाएंगे डायरेक्टली। अब यहाँ पर 1.5 साल के करंट अफेयर आपसे पूछे जाएंगे, 2 साल के भी हो सकते हैं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उस पर देखिए कि भाई किस तरीके से जो है वो आपको तैयारी करनी है। एक नया करंट अफेयर का चैनल हमने खोला है, ठीक है, अगर आपने अभी तक जो है वो ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है करंट अफेयर नाम से चैनल से, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर डेली के शॉर्ट्स आपको जो है वो मिलेंगे करंट अफेयर के, यानी कि अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है तो आप इजिली जो है वो आप इनको कर सकते हो, ठीक है जी। फिर क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री 1857 के बाद की, इंडियन कल्चर, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और टीचिंग्स ऑफ महात्मा गांधी 40 नंबर में जो है वो ये पूछा जाएगा। आउट ऑफ 40 मार्क्स का जो है वो आपका गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है या 5 मार्क्स के आपके पूछे ही जाते हैं। तो ये पूरा जो है वो एग्जाम की स्कीम होने वाली है, और पेनल्टी नेगेटिव मार्किंग आपकी जो है वो यहाँ पर रहेगी ही, ठीक है जी, 0.25, ये आपको पता ही है अगर आप दोगे। उसके बाद मेंस की बात करते हैं भाई, आपने एक मेरिट क्लियर कर ली और आप मेरिट में आ चुके हो, अब आपका आता है मेंस। तो इसमें जीके एंड करंट अफेयर का 100 मार्क्स का होगा, मिनिमम पासिंग मार्क्स 33% होंगे, ठीक है जी। फिर जनरल इंग्लिश का होगा 50 मार्क्स का, इंग्लिश एसए का होगा 50 मार्क्स का, हिंदी का होगा 50 मार्क्स का, और वाइवा जो है वो आपका 40 मार्क्स का है, ठीक है जी। तो ये उसके बाद जो है वो आपकी पूरी स्टेजेस होने वाली, पूरा एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, ठीक है। इसको मैंने एक बहुत डिटेल्ड वीडियो में जो है वो कवर किया है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर सिलेबस की बात करें क्या क्या है, तो जनरल नॉलेज ऑफ करंट अफेयर, अब आपके यहाँ पर हिमाचल हिस्ट्री जो है, अगर आपका जो जनरल नॉलेज वाला है 100 मार्क्स का, अगर उसकी बात करें, 2 घंटे का आपका पेपर होगा, तो इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश 20 नंबर की पूछी जाएगी, करंट अफेयर्स आपके 40 मार्क्स के हो जाएंगे, और जो आपकी हिस्ट्री वाला चैप्टर है या बाकी जो इंडियन जीके है वो 40 मार्क्स की हो जाएगी, ठीक है। तो 100 मार्क्स का जो है ये आपका होने वाला है, मतलब जो आपका प्री का है वही आपका जो है वो आपका जनरल, मतलब कि मेंस का जो है वो रहने वाला है, थोड़ा डिटेल में हो जाएगा। जनरल इंग्लिश में आपकी क्या होगी, 50 मार्क्स की होगी, 1.5 घंटा आपको मिलेगा, ठीक है। तो उनकी जो भी कैंडिडेट वहां पर बैठे हैं उनकी इंग्लिश लैंग्वेज को टेस्टिंग करने के लिए, कितनी उनको इंग्लिश की समझ है, अंडरस्टैंडिंग उनकी क्या है, किस तरीके से वो इम्पसाइज कर सकते हैं, किस तरीके से वो अप्लाई कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें जो है वो जनरल इंग्लिश में आपकी देखी जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद जनरल एससे, इंग्लिश एससे की बात करें तो 50 मार्क्स का, 1.5 घंटे का एससे आएगा आपको। हिंदी की बात करें 50 मार्क्स की, इसमें इंग्लिश पैसेज को आपको हिंदी में ट्रांसफर करना पड़ेगा, एक पोएट्री आएगी जिसमें आपको जो है वो उसी के बारे में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और ईडियम्स कोरेक्शन वगैरह आपको सारे 1.5 घंटे में करनी पड़ेगी। तो ये आपका मेंस का सिलेबस है, ये मैं जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने सारा कुछ पहले डिस्कस किया होगा, बाकी एक वीडियो जरूर आएगी कि किस तरीके से तैयारी करें, उसको आप जरूर देखिएगा। बाकी यहाँ पर कुछ ज्यादा बताया नहीं गया है, ये आपका पूरा रहने वाला है, और बाकी जीके स्टडी पर जाकर जो है वो आप करंट अफेयर वगैरह पूरे प्रीवियस ईयर के वहां पर चलेंगे नायब तहसीलदार के लिए, तो वो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, तभी जाकर आपको जो है वो बेनिफिट मिलेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, कुछ भी आपको डाउट हो, किसी भी चीज पर आप वीडियो चाहते हो, तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, तभी जो है हम आगे उस पर वर्क कर पाएंगे।